सो टुडेज अवर टॉपिक इज मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नो अबाउट द बार्टर सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? ये बार्टर सिस्टम होता क्या है? ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस दुनिया में हमें अगर किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उस गुड्स को पाने के लिए, उस गुड्स को अचीव करने के लिए हमें किसी न किसी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ये नेचर का भी रूल है कि बिना किसी चीज का सेक्रीफाइस के आपको दूसरी चीज नहीं मिल सकती. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, और मुझे राइस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मुझे जिस पर्सन से राइस चाहिए, यानी कि जो पर्सन मुझे राइस देगा, उस मुझे भी उसको बदले में कोई ना कोई चीज देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे राइस की रिक्वायरमेंट है इस पर्सन से, तो मुझे भी इस पर्सन को बदले में फॉर एग्जाम्पल मिल्क देना पड़ेगा. यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, कॉमोडिटी का कॉमोडिटी से एक्सचेंज कर रहा हूं. मुझे राइस की रिक्वायरमेंट है और इस पर्सन को मुझसे क्या चाहिए, मिल्क चाहिए. यानी कि जब हम कॉमोडिटी का कॉमोडिटी से एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. ओके, जब भी हम कॉमोडिटी का कॉमोडिटी से एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. यानी कि जब हम गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम. देखो यार, सिंपल सा रूल है. आप लोगों के पास कोई शकला का बुम बुम वाली पेंसिल तो है नहीं, ठीक है, जिसका आप कुछ भी ड्रॉ करके ड्रॉ करोगे और आपके सामने वो चीज आ जाएगी, ठीक है. तो अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आपको बदले में किसी न किसी दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफिकल्टीज और लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. यानी कि बार्टर सिस्टम जब अच्छा खासा चल रहा था तो ये बंद क्यों हुआ? ऑब्वियसली बात है कि कई सारी डिफिकल्टीज होगी, कई सारी उसकी लिमिटेशंस होगी, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम कंप्लीट हो गया. ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या बार्टर सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो चुका है? तो इसका आंसर है नहीं. आज भी आपने देखा होगा कि जो बार्टर सिस्टम है, अच्छा बार्टर सिस्टम को अपन सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं ना, दैट टू ऑल्सो नोन एज द सीसी इकोनॉमी. सीसी इकॉनमी मीन्स कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकॉनमी. तो क्या बार्टर सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है या खत्म हो चुका है? नहीं, बार्टर सिस्टम आज भी कई विलेजेस में चलता है. इवन आपने देखा होगा कई बार शहरों में भी कोई लेडी आती है या कोई पर्सन आता है जो आपसे आपके घर से पुराने कपड़े ले जाता है और बदले में आपको कोई नया बर्तन दे जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम सीसी इकॉनमी यानी कि गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकॉनमी भी कहते हैं. बार्टर सिस्टम आज भी चलता है. अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम. यानी बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वो बंद हो गया, है ना? तो सबसे पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. अभी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या है, उसके बाद लैक समझेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बात करता हूं एक पर्सन की, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है. ए को बी से राइस की रिक्वायरमेंट है, ओके, और सेम बी को ए से मिल्क की रिक्वायरमेंट है. यानी कि ए को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? राइस की, जो किसके पास है? बी के पास. और बी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मिल्क की, जो किसके पास है? ए के पास है. यानी कि जब दोनों पर्सन के पास आपस में एक दूसरे के बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए कॉमोडिटी है, तो उसे हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. यानी बॉन्ड्स का डबल कोइंसिडेंस हो गया. और ये कैसा कोइंसिडेंस हुआ? बॉन्ड्स का. दैट इज व्हाई वी से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. अब इसमें लैग कैसे हो रहा है? तो 99% केसेस में आपको क्या लगता है कि ऐसा कोइंसिडेंस हर बार होता रहेगा? तभी तो इसको नाम दिया कोइंसिडेंस. यानी कि 99% केसेस में ऐसा नहीं होता था, ठीक है. मतलब एक को हो सकता है एक की जो नीड है यानी कि राइस, वो बी के पास तो अवेलेबल हो जाए, लेकिन बी को जो चीज चाहिए मिल्क वो ए के पास ना हो. या हो सकता है ए के पास मिल्क भी है लेकिन जो बी है उसको मिल्क की जगह शुगर की रिक्वायरमेंट है और शुगर ना हो ए के पास, ठीक है. तो ऐसे में जो ट्रांजेक्शन है वो अधूरा रह जाता था, यानी कि वो जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता था. तो सबसे बड़ा और सबसे मेन ये इसकी लिमिटेशन. तो सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. कॉमन यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो, जैसा अगर मैं आज की बात करूं, करंट टाइम पे अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे
एमआई का कोई फोन चाहिए, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू जो उसकी रेट है उसको गूगल से, यानी गूगल से या एड से हम फट से देखकर पता लगा देते हैं कि हाँ भाई इसकी रेट है वो है 15,999 रुपीज है, ठीक है। यानी करंट टाइम पे तो हम किसी भी चीज की वैल्यू को मेजरमेंट मनी के टर्म्स में कर सकते हैं, लेकिन जब बाटर सिस्टम चलता था तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी कमोडिटी का मेजरमेंट करने में। कैसे? वापिस सेम एग्जाम्पल ए और बी का। ए को बी से क्या चाहिए? शुगर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और बी को ऐसे क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल ऑयल की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कैसा कॉम्बिनेशन है, यानी कि ए को क्या चाहिए? शुगर चाहिए, और बी को क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। तो इस 1 kg शुगर का कितना ऑयल दोगे, इसका मेजरमेंट कैसे करोगे? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कितना? 500 ml, कितना? ठीक है, यानी कि इसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। दैट इज वाई वी से लैक ऑफ कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी यूनिट की, किसी भी कॉमोडिटी की कॉमन यूनिट नहीं थी, ठीक है, जिससे हमारे ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। थर्ड इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। आज अगर हम कोई कितना भी पैसा कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 10,000 रुपीज, तो मुझे पता है कि मुझे 8,000 रुपीज खर्च करने अपने डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और 2,000 रुपीज में सेव करूंगा। आज हर पर्सन सेव करता है, सेविंग करनी भी चाहिए माइक्रो लेवल पे, तो जो सेविंग हमें करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या है, ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की, तो क्या बार्टर सिस्टम में, तो भाई बार्टर सिस्टम में तो हमारे पास इनकम होती नहीं थी, बार्टर सिस्टम में तो मनी होती नहीं थी, तो उस टाइम जो लोग अपनी सेविंग्स करते थे, तो वो जो सेविंग्स करते थे वो गुड्स के टर्म्स में करते थे, जो सेविंग्स वो करते थे वो गुड्स में करते थे, यानी कॉमोडिटी का सेव करते थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर है, उस फार्मर ने 1,000 kg राइस का प्रोडक्शन किया, ठीक है, अब उस 1,000 kg में से उसने क्या करा, 100 kg तो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए निकाल दिए, और 900 kg उसने क्या करा, उसको सेव कर दिया, यानी उसको स्टोर कर दिया, सेव नहीं कह सकते हमने उसको, क्या कर दिया उसने, स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी स्टोरिंग वेल्थ। ये जो 900 kg मेरी राइस है, ये मेरा वेल्थ है, अब इसको स्टोर करने में मुझे कहां कहां प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहली चीज तो मुझे स्पेस चाहिए, मुझे इतना बड़ा स्पेस चाहिए जहां पर मैं मेरी राइस को इकट्ठा करके रख सकूं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो खराब हो जाए, बिकॉज जब बार्टर सिस्टम चलता था तो ऑलमोस्ट जो गुड्स थी वो पेरिशेबल गुड्स थे, यू नो व्हाट पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी खराब हो जाती है, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, ये सारी चीजें, ओके, मिल्क, बटर, ये सारी, ये पेरिशेबल गुड्स होती है जो जल्दी खराब हो जाती है, एक टाइम बाद खराब हो जाती है। तो यानी कि वेल्थ को स्टोर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्पेस की, सेकंड थी कि वो जो गुड्स थी वो खराब हो जाती थी, तो उससे अल्टीमेटली हमें लॉस होता था, तो ये बार्टर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा लॉस था। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स। पहले तो ये फ्यूचर पेमेंट्स होता क्या है, तो एक चीज बता दो, फ्यूचर पेमेंट्स को आप डेफर्ड पेमेंट्स भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम का एक और लिमिटेशन ये था कि वहां पर फ्यूचर पेमेंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। फ्यूचर पेमेंट्स में क्या होता है, जैसे अगर मैं करंट टाइम पर बात करूं, अगर मैं आज किसी को 100 रुपीज देता हूं एज अ बोरो कर देता हूं, यानी लोन देता हूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं ए पर्सन हूं, मैंने बी को 100 रुपीज बोरो की, यानी कि मैंने उसको लोन दिया 100 रुपए का, ठीक है, तो मुझे पता है कि एक महीने बाद मुझे वो पर्सन पूरे के पूरे 100 रुपीज लौटा देगा, ठीक है, या अगर हो सकता है मैं इस पर मेरा इंटरेस्ट चार्ज कर दूं। लेकिन जब बार्टर सिस्टम के अंदर अगर मान लो ए ने बी को हो सकता है राइस दिए, फॉर एग्जाम्पल 10 kg राइस दिए, अच्छी क्वालिटी के राइस दिए, बासमती राइस, ठीक है, हो सकता है जब बी ने ए को वो राइस दिए एक महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो हो सकता है जो 10 kg राइस की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, या फिर उस राइस की वैल्यू कुछ और हो गई हो, उस टाइम राइस हो सकता है ए को रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, ठीक है, तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर।